हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्लॉकी इनू एंड एलिवेंसी क्वाइन के बारे में। अब फ्लॉकी इनू एंड बाइनास के बीच 22 तारीख को AMA सेशन होने वाला है। अब क्या पॉसिबिलिटीज है दोस्तों फ्लॉकी इनू बाइनास पर लिस्टिंग होने का? अगर लिस्ट होता है तो क्या हो सकता है नेक्स्ट टू द मूव? फ्लॉकी इनू का क्या देखने मिल सकता है? एंड बात करेंगे दोस्तों क्लासिक लूना एलिवेंसी क्वाइन की। एलिवेंसी क्वाइन की हम सभी ने एक चीज देखा है, पिछले दिनों अपडेट हो गया है CMC पे 5.9 ट्रिलियन के आसपास। एंड क्या पॉसिबिलिटीज रखता है कि एलुएंसी सडन यहाँ पर विदाउट बर्निंग इंक्रीज हो जाए उसका सर्टिफिकेट सप्लाई नियर अबाउट 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन के आसपास? क्या पॉसिबिलिटीज रखता है? सो आज के बारे में दोस्तों इन दोनों टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर रहे थे फ्लॉकी इनू का। फ्लॉकी इनू का करंट मार्केट कंडीशन एंड सिचुएशन, 509 का जोन के पास ये ट्रेड कर रहा है, तो नियर अबाउट हम मान सकते हैं 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा बहुत मार्केट पंप लिया तो ये 40 में आ जाएगा। एंड आज के टाइम पे अगर आप $1 इन्वेस्टमेंट करके फ्लॉकी इनू पर बाय करते हो तो आपको लगभग 1,08,000 से 1,10,000 टोकन फ्लॉकी इनू मिलने वाले। तो अगर हम बात करेंगे करंट टाइम में जो फ्लॉकी इनू का इंडियन प्राइस पॉइंट है 0.3075 का जोन पकड़ा हुआ है, तो क्या पॉसिबिलिटीज है क्या फ्लॉकी इनू 1 रुपये या फिर 1 पैसे को जा सकता है आफ्टर बाइनांस के लिस्टिंग की अनाउंसमेंट के बाद? क्योंकि बाइनांस एंड अगर हम बात करेंगे फ्लॉकी इनू का AMA सेशन, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बाइनांस लाइव विथ AMA ट्यूजडे नवंबर 22 डिस्कस फ्लॉकी इकोसिस्टम। अब बाइनांस आप सभी को बता गए वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री का, अगर देखेंगे क्रिप्टो इंडस्ट्री को वन ऑफ द बिगेस्ट नेम बन चुका है। एंड कहीं ना कहीं बाइनांस का फेम कॉइन को, इस कॉइन को क्या दोस्तों किसी भी कॉइन को उठा के यहाँ पर पटक भी सकता है। तो बहुत सारे कॉइन्स एंड बहुत सारे कॉइन का हाइप सिर्फ बनता है बाइनांस के लिस्टिंग के लोग की। अब फ्लॉकी इनू को बाइनांस के साथ यहाँ पर AMA सेशन चल रहा है, तो कुछ ना कुछ दोस्तों बाइनांस एंड फ्लॉकी इनू के बीच में चल रहा होगा इनबिल्ट, दोस्तों कुछ ना कुछ चल रहा अंदर में, कुछ ना कुछ बातें चल रहा होगा फ्लॉकी इनू का इकोसिस्टम को लेके। क्योंकि बाइनांस यूं ही किसी के साथ AMA सेशन नहीं करता जब तक बाइनांस उससे रिलेट करना ना चाहे। एंड कहीं ना कहीं फ्लॉकी इनू एंड ऑब्वियसली हम जितने फ्लॉकी इनू का होल्डर्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, हम चाहते हैं कि फ्लॉकी इनू बहुत जल्द बाइनांस में लिस्ट हो जाए। क्योंकि फ्लॉकी इनू द फ्यूचर ऑफ द मेटावर्स एंड अ मीम टोकन, मैंने आपको कहा भी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई दोस्तों ओनली 5 ट्रिलियन के आसपास का, आप समझ सकते हो इतना कम सर्कुलेटिंग सप्लाई फ्लॉकी इनू का है। एक पॉसिबिलिटीज है दोस्तों यहाँ पर बाइनांस की लिस्टिंग की अनाउंसमेंट आ गई तो फ्लॉकी इनू कहीं ना कहीं बूम कर सकता है। अब यहाँ पर रही बात दोस्तों फ्लॉकी इनू बाइनांस पर लिस्ट हो गया तो कितना प्राइस पॉइंट तक जा सकता है एंड क्या हो सकता है? फ्लॉकी इनू का इकोसिस्टम बहुत अच्छा खासा है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट फ्लॉकी इनू का मेटावर्स को छोड़ के फ्लॉकी लॉकर है। अब आप सभी को पता होगा फ्लॉकी इनू का वालाला गेम एक मेटावर्स प्रोजेक्ट है एंड इसको छोड़ के दोस्तों फ्लॉकी इनू का दूसरा जो मेन एंड जो अगर हम बात करेंगे की प्रोजेक्ट है ये फ्लॉकी लॉकर है। अब फ्लॉकी लॉकर दोस्तों वन ऑफ द बिगेस्ट LP लॉकर बन चुका है, टोकन लॉकर बन चुका है, क्योंकि 34,41,745 टोटल वैल्यू लॉक्ड है। आप सभी को पता होगा लॉकर में दोस्तों नए नए प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं एंड लॉक करते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। अब रिसेंटली कुछ अपडेट की बात करेंगे, नियर अबाउट 12 से ज़्यादा ब्लॉकचेन यहाँ पर फ्लॉकी इनू को सपोर्ट कर रहा है, जो कि दोस्तों लॉक के लिए यहाँ पर फ्लॉकी इनू को यूज़ कर सकते हैं। 29 से ज़्यादा NFT प्रोजेक्ट लॉक है एंड 1,000 से ज़्यादा दोस्तों टोटल अगर हम एस्टिमेटेड क्वाइंस देखेंगे एंड प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये लॉक है फ्लॉकी लॉकर पे। अब फ्लॉकी लॉकर का पार्टनरशिप भी दोस्तों कहीं ना कहीं इनबिल्ट अगर बात करेंगे बहुत अच्छा खासा है। चेरी सॉफ्ट है, कम्युनिटी सर्जनर है, चेन लिंक है, OKX है, एफ सॉफ है, स्टील टैक्स है, क्वाइन स्टेट है, इन्फिनिटी पैड है, बहुत सारे बिग प्रोजेक्ट्स ऑन फ्लॉकी इनू का पार्टनरशिप के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। डिटेल में देखेंगे क्या काम आता है फ्लॉकी लॉकर, तो LP लॉक कर सकते हैं, लिक्विडिटी पूल यहाँ पर लॉक कर सकते हैं, टोकन को लॉक कर सकते हैं, NFT लॉक कर सकते हैं एंड मल्टी टोकन, मतलब एक नहीं आपके पास मल्टीपल टोकन है तो उसको भी आप लॉकआउट कर सकते हो। एंड अगर हम डिटेल में बात करेंगे एडेप्शन फ्लॉकी इनू का लॉकर, रिसेंटली कुछ ही दिन हुआ है दोस्तों मार्केट पे आके एडेप्शन काफ़ी अच्छा बन चुका है। तो फ्यूचर की बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लॉकी इनू का फ्यूचर कहाँ तक हो सकता है, बाइनांस की एक हाइप 1.0 खत्म कर देगा। आज के टाइम पे जो ट्रेड कर रहा है बाइनांस की एक हाइप आपको 10 से लेके 20x का प्रॉफिट यूं ही जनरेट करके दे सकता है करंट मार्केट सिचुएशन में। एंड मार्केट पंप गया तो आप समझ सकते हो कितना ऊंचा लेवल जा सकता है। एंड जो सप्लाई है कहीं ना कहीं बर्निंग मैकेनिज्म अगर अच्छा तगड़ा हुआ है, इन फ्यूचर अच्छा खासा बर्निंग किए तो कॉइन में अच्छा दम है, आप इसको ग्राब करके रख सकते हो। एंड मैंने दोस्तों मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जहां पर कि मैंने आपको फ्लॉकी इनू रिकमेंड भी किया है। अब इसको छोड़ के बात करेंगे दोस्तों क्लासिक लूना क्वाइन की। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये पोस्ट दिख रहा होगा, क्लासिक लूना क्वाइन की बर्निंग रिलेटेड इवेंट को हम बहुत दिनों से जगे हुए हैं कि क्लासिक लूना क्वाइन में कुछ बर्निंग हो और तगड़ा मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करिए, बट
रिसेंटली 5 डेज में देखेंगे मार्केट का कंडीशन इतना खराब हो चुका है कि क्लासिक लूना कॉइन में बर्निंग रिलेटेड इवेंट हमें देखने नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बाइनांस ने कुछ डीले कर दिया है, मतलब डीले इन द सेंस अनाउंसमेंट डीले कर दिया है। एंड बात करेंगे जो यहाँ पर मार्केट का कंडीशन है, तो लोग भी उतना पेशेंस के साथ अभी किसी भी क्रिप्टो कॉइन इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो बस जगे हुए कि प्राइस कब अप जाए, जैसे कि हम एंड आप बैठे हुए कि कब ये क्लासिक लूना कॉइन कम से कम 1 रुपये चल दे एंड हम अच्छा खासा बेनिफिट निकाले, फिर यहाँ पर उससे 10 रुपये, उससे $1 एंड देन बहुत कुछ। अब इसका प्राइस को दोस्तों मूवमेंट करने के लिए बर्निंग होना चाहिए, बट बर्निंग अल्टीमेटली सफिशियंट नहीं हो रहा है, जिस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उम्मीद करके रखे कि आने वाले 6-7 महीने 1 साल में अच्छा बूम कर जाए। अब प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट आएगा तो उसकी बात अलग है, बट इसको छोड़ के किस तरीके से सर्कुलेटिंग सप्लाई घट सकता है, तो करंट टाइम में आप देख सकते हो 5.9 ट्रिलियन का सप्लाई है, जिसमें से अगर हम बात करेंगे दोस्तों नियर अबाउट 28 बिलियन टोकन बर्न आउट हो चुका है। अब 6.89 समथिंग ट्रिलियन था, जिसमें से 28 बिलियन टोकन बर्न आउट हो चुका है, तो इन द सेंस बाकी टोकन गए दोस्तों क्लासिक लूना का स्टैकिंग पे। अब स्टैकिंग पे कौन डाल रहे हैं, वैलिडेटर्स डेलीगेटर्स जो हैं ये बहुत ह्यूज लेवल का स्टैकिंग पे डाल रहे हैं। अब एक कॉइन का 12 से 13% होने को आया है, अब स्टैक पे ये जा रहा है, तो आप समझ सकते हो आने वाले सिर्फ और सिर्फ अभी रिसेंटली ये कॉइन अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, मतलब 2 महीने में कॉइन में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं बेस बिल्डिंग हुआ है। अब बेस बिल्डिंग का स्टार्टिंग से ही अगर इस कॉइन में 13% आप समझ सकते हो स्टैकिंग पे जा रहा है, तो आने वाले 8 से 10 महीने में कितना परसेंट, कितना ह्यूज लेवल का स्टैकिंग पे जाएगा एंड कितना यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई और भी जो हमें कॉइन मार्केट कैप से यहाँ पर डाउन होता हुआ दिख सकता है, नियर अबाउट 2 to 3 ट्रिलियन के आसपास इसका सप्लाई घट जाएगा सिर्फ और सिर्फ स्टैकिंग से। अब बात रही दोस्तों स्टेकिंग से वहां पर निकाला जाएगा वो बात अलग, सिर्फ स्टेकिंग फीचर से दोस्तों क्लासिक लूना का फ्यूचर भी अच्छा खासा बिल्डअप हो सकता है, बट एक चीज़ स्टेकिंग पे डालते हैं तो उसको निकाल भी सकते हैं, बट अल्टीमेटली इसके लिए हमें बर्निंग चाहिए होगी एंड बर्निंग के लिए दोस्तों क्लासिक लूना कॉइन कहीं ना कहीं अपने बेस को अच्छी तरीके से बिल्डिंग कर लिया है एंड अच्छा बिल्डअप कर रहा है एंड आने वाले 1-8 महीने में अप टू 2023 का स्टार्टिंग पे हमें बहुत कुछ अनाउंसमेंट क्लासिक लूना कॉइन पे देखने मिल जाए। तो करंट सिचुएशन एंड सीनियर की बात करेंगे, 16 का जोन ये आ चुका है एंड अपना टेस्ट लेवल पे अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बना रहा है एंड अगर इससे ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बना सकता है 12 के आसपास, क्योंकि अच्छा खासा डंप इन दिनों हमें क्लासिक लूना कॉइन पे देखने मिल रहा है एंड इसको छोड़कर अगर हम बात करेंगे रैंक तो 41 पे फिसल के आ गया है। अब रीज़न क्या है इसका, रीज़न बेसिकल दोस्तों बर्निंग का कुछ अनाउंसमेंट नहीं आ रहा है, ना ही और कुछ यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, ना ही कुछ बड़ा तगड़ा यहाँ पर देखने मिल रहा है, जिसके कारण दोस्तों ये चीज़ें हैपन हो रही है, बट देखते हैं किस तरीके का परफॉर्म ये 2023 में करने वाला है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।